दुकान करते हैं। ये कह रहे हैं ये इनका ये कहना है अभी कि आप हाई कोर्ट जाओ चाहे किसी भी कोर्ट में जाओ मेरा कुछ नहीं कर सकते हो क्या। अभी अभी जस्ट सडनली यही बात हुई है और ये कह रहे हैं कि भाई कि मेरा पक्ष नहीं रखा इनका पक्ष रख लिया जाए। सर ये मेरे वार्ड के निवासी है, इन्होंने मेरे को कल फोन किया कि साहब ऐसे ऐसे बच्चे का मामला था, बच्चा पढ़ता है उसकी कोई प्रॉब्लम थी पढ़ाई के अंदर, तो गए टीचर से पास किसी को कंप्लेंट बताई तो टीचर ने कहा सर बुक्स नहीं है, बुक्स की बात दे दो साहब के नहीं सर 1100 रुपये की आपको रसीद कटवानी पड़ेगी। उन्होंने कहा 1100 रुपये तो कंपलसरी नहीं है भाई, फीस दे दो या बुक दे, नहीं दे तो बुक नहीं दी जाएगी आपको और आपका बच्चा कमजोरी रहेगा। तो इन्होंने ये कंप्लेंट हेडमास्टर की, तो हेडमास्टर ने टीचर्स को बुला के डांटा कि आप इस तरह कंपलसरी नहीं कर सकते बुक्स के लिए, पेरेंट्स अगर चाहे तो ही लेंगे नहीं तो अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। ये ठीक है साहब, तो वो डांट लगा दी ये भी चले गए, ये मामला तो सॉर्ट आउट यहीं पे हो गया कर गया। लेकिन कल जो है मेरे पास शाम को फोन है इनका साहब, ये टीचर्स है जो भी नाम इनका वर्मा जी, और यहाँ से गए 5-7-10 लोगों को लेके गए सफारी गाड़ी के अंदर, कल इनके घर पे गए हैं, उसके बाद इनके जो वो कार्य क्षेत्र वहाँ पे गए हैं और वहाँ जाके उनको धमकाया कि आपने मेरी शिकायत कैसे कर दी प्रिंसिपल को, फिर हाथ तोड़ दूंगा पैर तोड़ दूंगा इस तरह कर दूंगा, किसी को रहना बुला दूंगा, इतना टेरराइज किया कम से कम 40-50 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तो तकलीफ ये है कि चलो ये भी मामला था यहाँ का सॉर्ट आउट पेरेंट्स और टीचर के बीच में होता रहता है, लेकिन इस तरह की दादागिरी या गुंडागिरी जो है ना ये बहुत ही अशोभनीय है और वो भी एक टीचर्स को ये चीज़ शोभा नहीं देती, वहाँ जाके डरा रहे धमका रहे मैं ये कर दूंगा हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये कौन सी शोभा देती है या फिर टीचर की नौकरी छोड़ के आओ धंधा करो शुरू। तो ये परिवार इतना टेरराइज हो गया कि मेरे को पास शाम को 3-4 फोन आएंगे, सुबह फोन होगी सब आप साथ चलो नहीं तो हो सकता हमारे साथ मारपीट नहीं कर रही वहाँ पे, इसलिए मैं साथ में आऊँ चलो आप बात करते हैं। लेकिन ये आप हेडमास्टर साहब है नहीं जो स्टाफ ने उनको बता दी कंप्लेंट बताई सर, इस तरह कंप्लेंट इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, संबंधित जो थाना उसमें भी दे दिए है, जो शिक्षा डिपार्टमेंट उसमें भी इनकी कंप्लेंट दे दी है, हमारी डिमांड ये है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो आगे से इस तरह के कोई अभिभावक पड़ताल नहीं, तो अभी वो बच्चा जो स्टूडेंट वो भी एकदम सहमा हुआ है, उसके पेरेंट्स भी एकदम डिप्रेशन के अंदर आ रखे हैं, वो खुद साथ में नहीं आए पेरेंट डरते हुए कल कहते मेरे साथ में वो धक्का मुक्की मारपीट नहीं कर दे। सर ये मामला 27 तारीख का था, 27 तारीख को मेरे बड़े भैया यहाँ आए, उनका बच्चा 8 साल की उम्र का है जो 3री क्लास में पढ़ता है, वो यहाँ पे आए और उन्होंने कुछ पढ़ाई की शिकायत लेके आए थे सर के पास में, तो उन्होंने सर ने ये बोला कि इस संदर्भ में आपको किताबें लेनी पड़ेगी, और तो सर भैया ने ये बोला कि भाई किताबें दे दीजिएगा, तो उन्होंने बोला कि किताबें लेने के लिए आपको 1100 रुपये देने होंगे अन्यथा आपको किताबें नहीं दी जाएगी, और पहले जो 1100 रुपये दे रखे हैं बच्चों उनको दी जाएगी, उसमें से बची हुई किताब आपको दी जाएगी अगर आप पैसे देने में असमर्थ हो। तो उसके बाद में उन्होंने असमर्थता जताई तो जो नज़दीक जो स्टाफ बैठा था उन्होंने उसका उपवास बनाया, हंसी मजाक की उड़ाई और फिर वो भैया वहाँ से निकल गए, और दूसरे दिन जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनको उनकी खिलाफ कंप्लेंट करी कि साहब मेरे से 1100 रुपये मांगे गए और मैं देने में असमर्थता जताने पर मेरी हंसी उड़ाई गई। तो उसके बाद में सर ने उनको जो लोकेंद्र वर्मा नाम का जो शिक्षक है यहाँ पे उनको बुलाकर उनको डांट फटकार लगाई कि आप 1100 रुपये जो ले रहे हो वो विकास शुल्क है, वो दे अगर गार्जियन देना चाहें तो भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, आप उनका मजाक नहीं बना सकते और ये किसी के लिए बाध्यता नहीं है कि आपको ये पैसे देने हैं। उसके बाद में ये मैटर यहीं पे सॉर्ट आउट होके और भैया अपने काम पर चले गए। मर घर आया मेरा आदमी ने पूछो मतलब ऊपर ही कथा को राकेश क्या लगता है, देखियो मेरा बच्चे है तो बहनों क्या लगता है तो मेरा पोता है तो कहाँ रहता है, तो भाई वो दुकान पर है केडीजन स्कूल की दुकान है बट दुकान करता है बट वो बच्चा ने फटाया तो वो साथ ही ले जाओ भी ना क्यों वो घर तो बदमाशी करे तो छोटा को ना छोटा सी किया तो तीसरी में फट रही है तो अब बट जार क्या है बच्चा तो मेरे पास ही आगे फटवाना तो छोरा ने गाली गलोज करिए क्या भी करिए और 5-7 आदमी इसकी मोटर का माई नाप बाहर निकले तो बस वो भी डर के मारे बच्चे बच ये गुड़िया सर कान कौन हो तो ये ना बुलाया का सर्वराज ये दूसरा छोरो भी ना बुलाया सर्वराज ये कौन है तुम्हारे बच्चा का मास्टर है तो क्या ना है कि मैं रात काल चल गया तो कहीं क्या मैंने प्रिंसिपल को और वो क्यों डरवाई होकर अब आज की मारे बच्चा ने तो तू होना जो कर लीजिए मेरा बच्चा तो मेरे पास ही आगे पड़वा अब आज के तो हमारे बच्चे रो रही है छोटो सी के वो पर मैं तो काई ये नहीं बिया नहीं मारे बच्चे तीन साल के बाद मारा कुटी थोड़ी करी मारा कुटी भी करी हां चमतान करियो तो मारा कुटी करी अब बाहर आया स्कूल में तो कह रहे कोर्ट वीडियो कर दियो कोई दाव करो जो अब बोलो इसके साथ क्या करा